जी जी वेलकम टू जी अनदर व्लॉग। रात की यहाँ पे बारिश आई हुई थी और आंधी तो बहुत ज़्यादा थी। जो गंदम की कल कटाई हुई रही थी ना, वो मैं आपको जाके दिखाऊंगा। उसका देखना हाल क्या हो गया होगा बेचारों का। कल उन्होंने कटाई की है, आज ये अंधेर रात का चला हुआ बहुत तेज़। अभी तो कम है, रात को बहुत तेज़ था। तो हर चीज़ जो गंदम की कटाई हुई हुई थी ना, तो वो सारी उड़ गई होगी सारी। कोई कहीं गई होगी, कोई कहीं गई होगी। तो बेचारे सुबह से लगे हुए होंगे उसको इकट्ठा करने में। गांव का बस यही होता है मसला कि जब ये आंधी वगैरह आती है तो गंदम को बहुत नुकसान होता है। अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत तेज़ चली हुई है आंधी। चेक करें कितनी तेज़ आ रही है। अब रात को बारिश हुई थी, अभी तो खैर बादल खड़े हैं, बारिश तो अभी नहीं हुई। देखते हैं अल्लाह पाक बेहतर करेगा, क्योंकि पक्की फसल पे बारिश हो जाए ना, सब नुकसान ही नुकसान होता है। अल्लाह पाक करम करेगा अपना इंशाल्लाह। बारिश पहले सुबह सुबह हुई थी, फिर हो गई थी, अभी फिर हो रही है। मेरा जाना तो आरफ वाले में, तो वहाँ भी नहीं गया। तबीयत फिर ख़राब हुई है, खांसी हो रही है, सर दर्द तो बहुत ज़्यादा। मेरे बेटे ने मोटरसाइकिल गिरा दी नीचे, उसका गियर लीवर भी तोड़ दिया और क्लच लीवर भी तोड़ दिया। अभी खड़े सोच रहे हैं क्या करें। बारिश तो बस हो ही रही है, मौसम चेक करें कैसा बना हुआ। पहले तो इतनी तेज़ तेज़ बारिश हुई है एकदम से, और बादल भी इतना तेज़ तेज़ गरज रहा था, तो अभी जाना रुक गई है। लेकिन ये जो अब बारिश हो रही है ना, ये गंदम को बहुत ज़्यादा नुकसान देगी, क्योंकि अभी गंदम फुल तैयार है। जिस पे भी बारिश हो जाएगी ना, जो जिस गंदम की कटाई हुई है, तो उसका दाना जाना वो काला हो जाएगा, तो फिर वो सारी ख़राब हो जाएगी। नहीं, अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। क्या हुआ है? बारिश वैसे ही हल्की हल्की जा रही है देखें, और सुबह की लाइट नहीं है। सुबह 9 बजे गई हुई है, अभी तकरीबन 5:45 हो गए, अभी तक तो आए नहीं है। बाकी अल्लाह पाक बेहतर करेगा क्या बनता है। और हमारे घर में पानी भी अभी नहीं, पीने का पानी भी ख़त्म हो गया, दूसरा भी ख़त्म हो गया। अब हम लोग सोच रहे हैं कि ढारी पे चले जाएँ कि यहीं पर रहें। ऊपर से बारिश हो रही है, ढारी पर जाने का भी कोई चांस नहीं है। देखते हैं कि थोड़ी देर में अगर बारिश रुकती है तो फिर ढारी पर चले जाएँगे। वहाँ पर लाइट आया है, इधर नहीं है। लाइट का इंतज़ार करते हैं कोई आधा घंटा, और अगर नहीं आई तो फिर चले जाएंगे। आज हमारे घर में लाइट जो है ना, अभी अभी आई है, काफ़ी देर बनी 7:35 पे, 8:35 हो चुके हैं, तो अभी लाइट आई है। सुबह 9 बजे की गई हुई है, और ना घर में पानी है, ना कुछ, ना लानी ना देनी। बच्चे मेरे अभी सारे सो सो गए हैं, मुझे भी नींद आ रही थी, तो अभी लाइट आई है तो फिर मैं उठ गया। मैंने कहा देख लें कि भाई क्या, अभी फ्रिज चलाई है, क्योंकि फ्रिज रात की बंद थी, रात को मैंने बंद करके सोता हूँ ना, क्योंकि लाइट यहाँ पे बहुत कम ज़्यादा होती, सोने से पहले बंद कर देता। तो रात को बंद की थी, 9-10 बजे बंद की थी, सुबह भी बंद थी, और सारा दिन पूरा दिन बंद रही। अभी लाइट आई है तो अभी चलाई है। मैंने कहा कि चलो 2-3 घंटे चला लेते, तो उसके बाद जब सोने लगूंगा तो फिर इसको बंद कर दूंगा। बच्चे ज़िद कर करके सारे समय कह रहे थे कि ढारी पे चले, लाइट नहीं है तो ढारी पे चलते, वहाँ पे लाइट थी। तो मैंने कहा कि नहीं, लाइट आ जाएगी, कोई बात नहीं, तो सुबह हम लोग ढारी पे जाएंगे। कोई बहुत मुश्किल से बच्चों को सुला दिया हम लोगों ने।